नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने MI ऑन फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपके म्यूजिक क्वालिटी को काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हो। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जो डॉल्बी एटमॉस इंस्टॉल करने के लिए कोशिश किया, बट वो इसमें सक्सेस नहीं हुआ था, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाया। बट एक नया एप्लीकेशन मुझे मिल गया है, तो उसका नाम है बास वूस्टर प्रो। ये एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके आपके फ़ोन के अंदर म्यूजिक क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक MI 1 के ऊपर मिलते रहते हैं यहाँ पे, जो जेन्युइन होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको क्लिक कर देना, क्योंकि ये एप्लीकेशन आई थिंक आपको अदर साइड में कहीं मिलेगा नहीं, तो उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना। तो उसका नाम है बैश बूस्टर प्रो। यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद एक बार क्लिक करिए, ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद कुछ अलाउ ऑप्शन मांगेगा, तो इसको अलाउ कर दीजिएगा। ये इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलाइजर जो ऑन हो रखा है इसको ऑफ कर दीजिए। आप चले जाइए कोई म्यूजिक प्लेयर के अंदर, इसके अंदर हम ढूंढते हैं म्यूजिक प्लेयर क्या है। प्ले म्यूजिक है गूगल का, इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप एक सेकंड में थोड़ा सा सर्च कर देता हूँ म्यूजिक लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे दो तीन आप म्यूजिक पड़ा हुआ है, एक एलन वॉल्कर का फेड म्यूजिक और चुकी बिट्स, इसी को चलाते हैं। मैं थोड़ा इसको वॉल्यूम कम कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए कोई सॉन्ग अगर मैं प्ले करता हूँ जिस वॉल्यूम में बजा, बास बूस्टर प्रो के अंदर उसको एनेबल कर दूंगा, तो आपको फर्क पता चली जाएगा कि क्या है साउंड का माजरा। तो यहाँ पर मैं प्ले कर दिया, यहाँ पर गया चला गया। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ, अगर आपको शायद इस वीडियो के अंदर आपको उस टाइप का फ़र्क इतना नहीं पता चल सकते, लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपको फ़र्क पता चला कि नहीं चला। यहाँ पे आप मैनुअली सेटिंग कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मैनुअली सेटअप कर सकते हो कि जो बैस कितना रखना है, वॉल्यूम कितना रखना है, इक्वलाइजर कैसे कैसे सेट करना है। तो उसी हिसाब से आप अपने जो फ़ोन के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते हो। और म्यूजिक ईयरफोन में देख सुनोगे ज़बरदस्त लगता है, ये मैंने यूज़ किया है और मैंने दोनों फ़ोन के ऊपर दोनों वीडियो बना रखा है, Realme 2 Pro के अंदर और MI 1 के फ़ोन के अंदर दोनों वीडियो इसी के ऊपर बनाए हुए। दोनों फ़ोन के अंदर ये सेम चीज़ एप्लीकेशन क्या, वो बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है और आपके साउंड क्वालिटी और आपका म्यूजिक क्वालिटी का क्लैरिटी काफ़ी ज़बरदस्त दे रखा है। डॉल्बी एटमॉस से और बहुत बढ़िया है, मैं इसको यूज़ किया हूँ, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।